हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार द मॉडल मेकर अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं, उसका नाम है हाउ टू मेक अ न्यूज़पेपर। ये टॉपिक आमतौर पे बच्चों को स्कूल के हॉलीडे होमवर्क में दिया जाता है। इस पूरे वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँ विद एन एग्जाम्पल। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि जिसको मेरे को रेडी करके देना था, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने कोशिश करी है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा क्वेश्चन था और इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं और मुझे इन सभी पॉइंट्स को कवर करना था। सो मैंने स्टार्ट करते हैं। पेपर के बेस के लिए मैंने एक थिक हैंडमेड शीट ली है ताकि मुझे बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग मिले। साइज़ मैंने उसका A2 ही लिया है। बीच में से उसको फोल्ड कर दिया है ताकि वो एक न्यूज़पेपर की लुक में आ जाए। मेरी थोड़ी खाली लग रही थी तो मैंने उसके चारों तरफ एक पतली येलो कलर की शीट की स्ट्रिप्स लगा दी हैं। अब इससे मेरी शीट थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो गई है और इसमें लुक आ गई है। आप चाहें तो कलर टेप भी यूज़ कर सकते हैं या कोई और टेप जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर लीजिए। मुझे ये थोड़ा सा कंट्रास्टिंग कलर लगा था इसलिए मैंने यूज़। पेपर बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हम लोगों के साथ आती है, ये समझ नहीं आता कि हम शुरू कहाँ से करें। तो इसके लिए सबसे पहला मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जो आपका क्वेश्चन गिवन है उससे रिलेटेड अपने इंटरनेट पर रिसर्च कीजिए और जो आपको पॉइंट्स ठीक लगे उन्हें कलेक्ट करके उसका प्रिंट आउट लीजिए। इसी तरह मैंने कुछ इमेजेस भी प्रिंट करके निकाली है जो मुझे लगा कि ये ठीक होंगे। मैंने प्रोवर्ब से करी है। सबसे पहले मैंने एक हेडिंग लगा दी उसकी और उसके बाद जो प्रोवर्ब्स मैंने नेट से ढूंढी थी उन सभी को मैंने कलर शीट्स के ऊपर लिख के पेस्ट करने लगा। लेकिन मुझे लगा कि शायद इसके बेस में मुझे उतनी क्लियरिटी नहीं आएगी, इसलिए मैंने बेस में एक ब्लू कलर की शीट लगाई है। तो अब मेरी जितनी भी हेडिंग थी वो सारी उस पर विजिबल हो रही है। लिखने के बाद आप देख सकते हैं मेरी प्रोवर्ब हेडिंग तैयार हो गई है और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक आई है। इसी तरह ही मैं आगे भी धीरे धीरे करता जाऊँगा। पैलाथन भी लिखा है, ये भी एक क्वेश्चन का ही पार्ट है और आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग शीटों के कॉम्बिनेशन यूज़ किए हैं ताकि वो मेरे बेस से कुछ डिफरेंट विजिबल हो। पासवर्ड वाला पार्ट मेरा काफ़ी बड़ा था साइज़ में, मैंने उसको क्रॉप करके छोटा किया है और डायरेक्ट बनाने की बजाय मैंने एज इट इज़ उसको पेस्ट कर दिया है। रही बात ये रिडल वाले पार्ट की, तो ये मेरा इतना बड़ा नहीं था तो इसको मैं जैसे मैंने प्रोवर्ब बनाई थी बिल्कुल उसी तरह ही मैंने इस रीडल पार्ट को बनाया है और कुछ इमेजेस लगाने से इसको थोड़ा सा गेटअप अच्छा आ गया। थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट थे क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ में थे। मैंने वो काफ़ी ढूंढा और छोटे छोटे जो मुझे लगे बट इफ़ेक्टिव थे वो ही मैंने इसमें यूज़ किए हैं। उनको लिख के सेम मैंने प्रोवर्ब मेथड से इसको डिस्प्ले किए हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी काफ़ी बड़े थे लेकिन मैंने छोटे छोटे जो मेरे को सबसे छोटे लगे और जो सूटेबल लगे एज़ पर माई क्वेश्चन वही मैंने इसमें यूज़ करे हैं, जो कि मतलब करेक्ट भी हों और काम पूरा करें। लास्ट में एक पॉइंट था कि एक एडवर्टीजमेंट तैयार करनी है जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स पे होगी। तो इस पॉइंट में मैंने एक स्लोगन लिया है, कुछ इमेजेस उससे रिलेटेड लगाई है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखा है, रीडिंग इज द की ऑफ लर्निंग, ये सबसे मेन था। इसलिए एक स्टोरी थी जो स्कूल से गिवन थी, मैंने उस स्टोरी को रीड किया और उसमें से दो क्वेश्चन थे जिनको सॉर्ट करके इसमें लिखना था। पहला क्वेश्चन था कि माय फेवरेट कैरेक्टर, तो वो मैंने सेम ऊपर ब्लू शीट पे लिखा है। सेकंड था द इंसिडेंट आई लाइक द मोस्ट, वो मैंने नीचे ग्रीन पार्ट में लिया है। इसका नेम मेरे को उसके पेरेंट्स ने ही सजेस्ट किया था कि आप हमारी बुक का नाम पायरेट्स वर्ल्ड लिखिए, तो वही नेम मैंने यूज़ किया है। आप चाहे तो अपनी न्यूज़पेपर का कोई भी नाम ले। फ्रेंड्स, मेरे ये जो कोशिश जिसमें मैंने न्यूज़पेपर प्रेजेंट किया था आपके सामने, आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आपको ये यूज़फुल लगी या फ्रूटफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आगे भी मैं आपको इसी तरह से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँ, क्योंकि इस न्यूज़पेपर सीरीज में मेरे पास दो और टॉपिक्स हैं, एक है ब्रोशर और दूसरा सस्पेंस है।